हाय दोस्तों, कैसे हैं? कल कुछ लोगों ने बोला कि दीवान और DHFL पे आप बने अपडेट कीजिए, तो DHFL पे आज अपडेट कर रहा हूँ। 30 तारीख है, इसे तो कल ही मैंने अपडेट कर दिया था कि ये 125-122 तक के रेट को भी शो कर सकता है। बट ये कम्प्लीटली डिपेंड रहेगा न्यूज़, लेकिन न्यूज़ कभी इसका पॉजिटिव नहीं आ सकता, अब ऐसा दिख रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसकी इंक्वायरी चालू कर दी है और उन्हें खाली एक दो जगह जहाँ सर्च किया वहाँ पे केयर टेकर मिले, कोई आदमी मिला नहीं। इसका मतलब जो न्यूज़ कोबरा पोस्ट ने किया था शायद वो सही है, और अगर ऐसा हुआ तो ये शेयर कहाँ क्या वैल्यू पे मिलेगा, ये बेकार की बात है कहना। जिस रेट पे आपको मिलता है उस रेट पे आप एग्जिट हो जाइए, अगर आपको पोजीशन है तो। इसमें कोई बाइंग नहीं करना चाहिए। मुझे समझिए, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, क्या निकलेगा इसके नीचे, क्या निकले, क्या है क्या नहीं है, बहुत कहना मुश्किल है। और ये आपको बिलो 100 टू डिजिट में भी जाते हुए दिख सकता है, कोई श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी दिखेगा। और वॉल्यूम भी इसमें बहुत, ट्रेडर ने निगेटिव पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर लेवल पे मेरे को लगता है यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इसके वॉल्यूम चार्ट से देखने को मिलता है। आज प्रीवियस क्लोज इसका 169 पे हुआ था, 167 पे ओपन हुआ ये, और आप देखेंगे टुडे 153 का लो बनाता है और 169 का हाई बनाता है, और लोएस्ट अपने 161 की ओर क्लोजिंग देता है। अगर वेटेड एडेड वॉल्यूम की बात करें तो 161-22 से 161-45 थोड़ा सा लगता है इसमें सुस्ती लेकर के थोड़ा अपवर्ड की ओर देने की कोशिश कर रहा है। इस बैंक सेंटीमेंट में मत जाए, 79% बैंक सेंटीमेंट केवल फॉल हुआ इसके लिए सेंटीमेंट बता रहा है और कोई भी रीजन नहीं। और इसने आज अपने 52-153 को के लेवल को टच किया है, 52 वीक नया लो बनाया है जिसने, तो ये दीवान हाउसिंग था। एक्चुअल में इसमें हुआ ये क्या, छोटे अगर इसकी निगेटिविटी बता दो तो ये प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस जनरेशन नहीं कर, प्राइस जनरेट नहीं कर रही, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.25 है। अगर मैं प्रोमोटर की बात करूँ तो प्रोमोटर इसमें 39% है और FI ने इसमें दिसंबर में पोजिशन ऐड किया है 2.82 से, म्यूचुअल फंड रिड्यूस किए हैं, और हाईएस्ट BNP पेरिबस सर्टिफिकेट्स म्यूचुअल फंड के 4.65% के साथ है। रिकमेंडेशन की बात एक बार कर लूँ तो 25 जनवरी को ये सब कहानी होने से पहले का मोतीलाल ओसवाल ने 300 का टारगेट दिया था इसका, एंगल ब्रोकिंग ने 300 का दिया है, चोलामंडलम ने 29 नवंबर 28 नवंबर को 286 का दिया था, और 7 दिसंबर को एंगल ब्रोकिंग ने 300 का दिया था। अगर रिटर्न की बात कर लूँ इसका, ये देखिए 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर, 2 डे, 3 ईयर, 4 ईयर सब निगेटिव है, 4 साल पुराना निगेटिव हो गया। अब ऐसे शेयर में क्या करना है इसमें पैसा लगा के? चलिए एक बार इसके एक न्यूज को देख लेते हैं, क्या है ये न्यूज, इसको सुन लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले इस बड़े घोटाले की जांच बेहद जरूरी है ताकि इसमें लिप्त लोगों को सजा मिल सके और सार्वजनिक धन की उगाही उनसे की जा सके। इस कंपनी ने कई शेल कंपनीज को करोड़ों रुपए का लोन दिया और फिर वही रुपया घूमकर फिर उन कंपनियों के पास आ गया जिनके मालिक DHFL के प्रमोटर्स हैं। इस तरह 31,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी DHFL ने खुल्लम खुल्ला की है। इसके जरिए DHFL के मालिकों ने देश और विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स और एसेट्स खरीदे हैं। ये एसेट्स भारत के अलावा इंग्लैंड, दुबई, श्रीलंका और मॉरिशस में खरीदी गई। DHFL के मामले में एक बात और खुलकर सामने आई है कि इन संदिग्ध कंपनियों को DHFL के मुख्य हिस्सेदारों ने अपनी खुद की प्रमोटर कंपनियों, उनकी सहयोगी कंपनियों और अन्य शेल कंपनियों के जरिए बनाया है। कपिल वाधवान, अरुणा वाधवान और धीरज वाधवान DHFL के मुख्य साझेदार हैं। इस तहकीकात के दौरान DHFL के इस बड़े घोटाले के सिलसिले में कोबरा पोस्ट को कुछ खास जानकारियां हाथ लगी हैं। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए DHFL के मालिकों ने दर्जनों शेल कंपनीज बनाई। इन कंपनियों को समूह में बांटा गया। इन कंपनियों में से कुछ तो एक ही पते से काम कर रही हैं और उन्हें चला भी निदेशकों का एक ही ग्रुप रहा है।
घोटालों को छुपाने के लिए इन कंपनियों का ऑडिट ऑडिटर्स के एक ही समूह से कराया गया। इन कंपनियों को बिना किसी सिक्योरिटी के हजारों करोड़ रुपए की धनराशि कर्ज में दी गई। इस धन के जरिए देश और विदेश में निजी संपत्ति अर्जित की गई। स्लम डेवलपमेंट के नाम पर इन शेल कंपनीज को हजारों करोड़ों की राशि लोन के तौर पर दी गई, लेकिन इसके लिए जरूरी पड़ताल की प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। इसके अलावा बंधक या डेट इक्विटी के प्रावधानों को भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। लोन की धनराशि एक मुश्त सौंप दी गई जो कि स्थापित नियमों के खिलाफ है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोन की धनराशि प्रोजेक्ट में हुए कार्य की प्रगति को देखते हुए दी जाती है, लेकिन यहां ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं आया है। अधिकांश शेल कंपनीज ने अपने कर्जदाता DHFL का नाम और उससे मिले कर्ज की जानकारी को अपने वित्तीय ब्यौरा यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दर्शाया, जो कि सरासर गैर कानूनी है। DHFL ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, और यह बहुत अहम बात है, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की कई कंपनियों को 1,160 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा था। कपिल वाधवान और धीरज वाधवान DHFL की फाइनेंस कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर हैं। ये कमेटी 200 करोड़ या इससे ऊपर का लोन किसी भी कंपनी को दे सकती है। अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने उन शेल कंपनीज को लोन दिए जिनसे इनके निजी हित जुड़े थे। कंपनी के मालिकों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों रुपए की हेरा फेरी भी की है। कपिल वाधवान की इंग्लैंड की कंपनी ने जोपा ग्रुप में निवेश किया। इसी जोपा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी ने इंग्लैंड में बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। इस अवैध तरीके से हड़पी धनराशि से कंपनी के मालिकों ने विदेश में बाकायदा श्रीलंका प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम वायाम्बा भी खरीदी है। कंपनी के मालिकों ने गैर कानूनी तरीके से विदेशी कंपनीज के अपने शेयर भी बेचे हैं। इस तहकीकात में सैकड़ों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। कंपनी के मालिकों ने अपनी सहायक और शेल कंपनीज के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जाहिर है ये सभी कारगुजारियां देश के सिविल और क्रिमिनल कानून का सरासर उल्लंघन है। इसके अलावा कंपनी ने खुद की ऋण नीति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी दोनों को ताक पर रखकर ये सारे काम किए हैं। जहां तक कानून की बात है, ये सारी गड़बड़ियां सेबी के नियमों, नेशनल हाउसिंग बोर्ड के दिशा निर्देशों, कंपनी एक्ट की कई धाराओं, इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं, IPC की धाराओं और काले धन के शोधन से संबंधित PML एक्ट का साफ तौर पर उल्लंघन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े घोटाले पर भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी सहित फाइनेंस मिनिस्ट्री की किसी भी इकाई की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी है, जिसकी जिम्मेदारी है ऐसी अनियमितता को रोकना। इसके अलावा बैंक ऑडिटिंग एजेंसी और इनकम टैक्स विभाग ने भी इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है। मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक RKW डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्किल रियालिटीज प्राइवेट लिमिटेड और दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2016-17 के बीच सत्तारूढ़ BJP को कुल जमा 19.5 करोड़ का चंदा दिया है। काबिले गौर बात यह है कि इन तीनों कंपनीज के मालकान कपिल वाधवान और धीरज वाधवान हैं। एक और बात यहां गौर करने लायक यह है कि ये चंदे संबंधित कानून कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 182 के प्रावधानों को ताक पर रखकर दिए गए हैं। कानून के अनुसार चंदा देने से पहले किसी भी कंपनी को लगातार 3 वित्तीय वर्ष में लाभ की स्थिति में होना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी इन 3 वित्तीय वर्षों में अर्जित अपने कुल लाभ का 7.5% तक की धनराशि ही चंदे में दे सकती है। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में आर्थिक दंड और 6 महीने के कारावास की सजा निर्धारित है।
हमारी तहकीकात से स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी कंपनी कानूनन चंदा देने की स्थिति में कतई नहीं है। आपको बताते चलें कि DHFL एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी कुल जमा पूंजी या माली हैसियत साल 2017-18 के वित्तीय ब्यौरे के मुताबिक कुल 8,795 करोड़ रुपए। ये बात अपने आप में हैरान कर देने वाली है, इतनी छोटी जमा पूंजी वाली कंपनी ने अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 98,718 करोड़ का कर्ज हासिल कर लिया। यह कर्ज अलग अलग तरीके से हासिल किया गया है। इस कर्ज की धनराशि से DHFL ने 84,982 करोड़ की धनराशि कर्ज के रूप में दे दी है। DHFL की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कुल मिलाकर 36 बैंकों से यह धनराशि कर्ज में जुटाई थी। इन बैंकों में 32 सरकारी और निजी के अलावा 6 विदेशी बैंक शामिल हैं। एक और बात हमारी तहकीकात में सामने आई है कि जिन शेल कंपनीज को महाराष्ट्र में स्लम पुनर्वास के नाम पर कर्ज दिया गया था, उनका नाम वहां की स्लम पुनर्वास प्राधिकरण की वेबसाइट में कहीं नजर नहीं आती है। 45 कंपनियों को DHFL ने 14,282 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए हैं। गौरतलब बात यह है कि इन कंपनियों के तार वाधवान ग्रुप और सहाना ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सहाना ग्रुप के निदेशक जितेंद्र जैन को वित्त मंत्रालय की आर्थिक अपराध शाखा कुछ आपराधिक मामलों में उनकी जांच भी की जा रही है। जैन अभी न्यायिक हिरासत में है। सहाना ग्रुप के एक और नामी गिरामी शेयर धारक दलवी शिवराम गोपाल हैं। गोपाल शिवसेना के पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए DHFL कंपनी के मालिकों ने अपने लिए 1,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। शेल कंपनियों को दिए गए ऋण के पैसे से DHFL के मालिकान ने काफी एसेट्स विदेशों में अपने लिए जोड़ लिए हैं। इसके अलावा कोबरा पोस्ट को इस घोटाले में वाधवान परिवार के सूत्र कई देशों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये देश हैं इंग्लैंड, दुबई, मॉरिशस और श्रीलंका। कोबरा पोस्ट की तहकीकात से जो जानकारी सामने आई है वो इस घोटाले का एक हिस्सा भर है। अगर इस घोटाले की सही ढंग से जांच की जाए तो नीरव मोदी और शारदा जैसे घोटाले इसके सामने बौने साबित हो सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले इस बड़े घोटाले की जांच बेहद जरूरी है ताकि इसमें शामिल लोगों को सजा मिल सके और सार्वजनिक धन की उगाही उनसे। चलिए अब तो ये जो होना होगा, MCA ने आज इन पे एक्शन लिया है और MCA टेक्स एक्शन ऑन कोबरा पोस्ट। DHFL रिपोर्ट्स विजिट डेन कंपनीज टू चेक ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी में क्या मिला सो देख लीजिए आप। द MCA हैज टेकन अ वेरी सीरियस नोट ऑफ एलिगेशन दैट इट हैज विजिटेड द क्लोज 10 कंपनीज ओनली टू फाइंड देम नन एग्जिस्टेंस एट द गिवन एड्रेस। एट ए फ्यू प्लेसेज वन ये केयर टेकर हैज फाउंड, कुछ प्लेस पे केवल केयर टेकर मिले हैं, बाकी आप जाकर के खुद पढ़ लीजिए। ये गया कंपनी, कोई बात नहीं। इसको निफ्टी के साथ अगर मैं देखूँ तो निफ्टी के ट्रेंड को ये फॉलो करता है कि इस पे चार्ट पे कंपैरिजन लगाया था कि निफ्ट को, लेकिन ये अभी तक तो चलो निफ्टी, ये निफ्टी नीचे है और ये आपका DHFL है, लेकिन ये सब का आपको महत्व नहीं रहता है। जब कोई ऐसा फ्रॉड करती है और ऐसी कंपनी सामने आती है तो ये सब सारे चार्ट का कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे चार्ट वगैरह लगा कर रखे थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये अब ये सारे फैक्टर काम करेंगे आपको, और ये दो डिजिट में भी आपको दो कहाँ पे रुकेगा ये कहना मुश्किल है ये, और हो सकता है 125 और हो सकता है वापस 49-50 के लेवल पे जाकर के यहाँ पे सपोर्ट लेगा। लेके भी क्या करेगा, 10,000 की 8,900 की कंपनी है और 90,000 का लोन ले चुका है, उस लोन का 90,000 करोड़ में क्या लोन का स्टेटस निकलेगा, अभी कौन इसको बचाएगा, बंद भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टेटस क्या आता है क्या आता है। और दूसरा एक चीज़ और इसमें आपको आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि वॉल्यूम अभी सीधा 2 करोड़ से सेलिंग जो हो रही थी पहले 40-50 लाख का जो भी वॉल्यूम हो रहा था, अभी देखिए 25 जनवरी का 2,61,00,000 का वॉल्यूम है, 28 को 23 2,39,00,000 का और 29 को 4,36,00,000 का और 30 जनवरी को 5,73,00,000 के वॉल्यूम के साथ से हो रहा है। तो वॉल्यूम के साथ लगता है मुझे यहाँ पे लोग निकल, यहाँ पे ये एक्चुअल में ये नहीं है कि निकल रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं,
टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड जो है उसकी बात हो रही है, लेकिन जब आप वॉल्यूम होता है और उसके साथ प्राइस फॉल हो रहा है तो लगता है यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस के लिए ये वॉल्यूम हो रहा है। तो वॉल्यूम हर लेवल पे लोग अब जो भी पोजीशन बनाए लगता है कि यहाँ पे निकलने की कोशिश में है। और इसकी डिलीवरी परसेंटेज से भी 11% 11% 23% है, मतलब ये सिर्फ ट्रेडिंग पोर्शन के लिए है, ये भी आप ध्यान में रखें। इसमें आप ये सोच करके कि जहां आप देखिए पहले डिलीवरी 40,000 52,000 शेयर के नंबर ऑफ ट्रेडर जो थे 41,000 52,000 हुआ करते थे, वहां पे आप 2,30,000 ट्रेडर हैं, 2,21,000 ट्रेडर हैं, जहां डिलीवरी क्वांटिटी 8,12,000 9,13,7 लाख की होती थी, 6,92,000 की होती थी, वहां पे अभी 56 लाख की हो रही है डिलीवरी हो रही है। तो एज ए डिलीवरी परसेंटेज हो तो लगता है लोगों को जिसका ऊपर में बहुत ज्यादा रेट में लिया हुआ था वो गिर रहा है, तो ये एवरेज कर रहे होंगे, लेकिन वेट कीजिए क्या होता है देखिए। इसमें मुझे लगता है 125 145 पे इसको सपोर्ट है एक अच्छा सा, 145 के बाद 125 है, 125 के बाद 90 और 90 के बाद 49, ये लेवल तक आपको जाकर के दिखा सकता है। तो DHFL पे मेरा पॉजिटिव नहीं है कोई भी चीज़ इसमें, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा भी। तो DHFL पे कोई भी पोजिशन ना बने तो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, वॉच करें देखते रहें क्या होता है। एक बहुत बड़ा जैसा कि आपको दिखाया बताया कि हो सकता है एक बहुत बड़ा क्राइम इसके अंदर में छुपा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।